हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज़ कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स पर बेस्ड है, जिसमें आज हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कंपनी क्या है? कंपनी है एक एन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल पर्सन जो कि एग्जिस्टिंग ओनली इन आइज ऑफ लॉ। ये डेफिनेशन ये हम कंपनी की पहले देख चुके हैं। कंपनी है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर्सन्स का एक ग्रुप है जो मिलकर किसी कॉमन पर्पस के लिए कॉमन बिजनेस को रन अप करते हैं और मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसके मेंबर्स कैपिटल के एक शेयर को ओन करते हैं, इसलिए वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ये कंपनी के मेन फीचर्स हैं। आज हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इस बेस पे कंपनी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। एक अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें इसके मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं रहती। मतलब इसके मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। माना अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है और कंपनी की असेट्स उस लॉस को, आउटसाइडर लायबिलिटी को या इसके डेट्स को पे करने में सफिशिएंट नहीं होती है, कंपनी के असेट्स से सफिशिएंट नहीं होती है डेट्स को पे करने में, तो कंपनी के मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से पार्टनरशिप और सोलो में अनलिमिटेड रहती है ओनर्स की, ऐसे ही इसमें भी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। ठीक है, कंपनीज एक्ट इसकी परमिशन तो देता है, क्यों? लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में इस तरह की कंपनीज पाई नहीं जाती है। सेकंड हम देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है? इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी इनके द्वारा दी गई गारंटी की अमाउंट तक लिमिटेड रहती है। और ये लायबिलिटी कब रेज होती है? कंपनी के वाइंड अप के टाइम रेज अप होती है। यानी कि मेंबर्स ने जिस अमाउंट की गारंटी दी होती है वो वाइंड अप के टाइम पे करनी होती है। थर्ड कंपनी की कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इसके मेंबर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा परचेज किए गए शेयर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू तक लिमिटेड रहती है। माना उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उसकी फेस वैल्यू की अमाउंट तक लायबिलिटी रहती है। अगर उन्होंने एक बार वो अमाउंट पे कर दी तो आगे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। माना किसी मेंबर ने 10,000 रुपीज़ के शेयर परचेज किए हैं, तो एक बार उन्होंने वो 10,000 पे कर दिए, उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। जनरली कंपनीज इसी कैटेगरीज में आती हैं, ज़्यादातर कंपनीज इसी कैटेगरीज में, 2013 के अकॉर्डिंग, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कंपनियां ज़्यादा पाई जाती हैं। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन है प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन है पब्लिक कंपनी, और थर्ड वन है 1% कंपनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है। बच्चों, इंडिया में जनरली दो तरह की कंपनीज पाई जाती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है उसको हम समझ लेते हैं।
फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? 2% है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए, कितना होता है? 200, मतलब 200 से ज़्यादा मेंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए, और इसमें कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2% होने चाहिए। लेकिन इस लिमिट में इसके एम्प्लॉयज़ को नहीं जोड़ा जाता, एक्सेप्ट एम्प्लॉयज़ ये नंबर है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए? 7%, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब 200 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं एक पब्लिक कंपनी। सेकेंड डिफरेंस क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में तो जो शेयर्स हैं वो किसके पास होते हैं? इसके जो इनिशियल मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स होते हैं, उन्हीं के पास शेयर्स रहते हैं। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये परमिशन नहीं देता कि इसके शेयर्स को आगे ट्रांसफ़र किया जा सके, जबकि एक पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओपन मार्केट में भी एक पब्लिक कंपनी के ही शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो कंपनी काम करती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना कंपलसरी नहीं होता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बना हुआ है तो उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो इस पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसके बाद है डायरेक्टर्स नंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होना चाहिए? 2% उसमें डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3, है ना, 3% मिनिमम उसमें डायरेक्टर्स होने चाहिए। लास्ट डिफरेंस क्या है? लिमिटेड वर्ड। एक प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जबकि एक पब्लिक कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? ओनली लिमिटेड वर्ड लिखा जाएगा, लिमिटेड कंपनी लिखा जाएगा। जैसे अगर कंपनी का नाम अजंता नाम से कंपनी है, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो क्या कहलाएगी? अजंता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो क्या कहलाएगी? अजंता लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। बच्चों, आज हमने काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक्सेट्रा के बारे में जाना। आगे हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।